नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। एक तरफ कोरोना वायरस का आतंक तो दूसरी तरफ लॉकडाउन की समस्या। हालात के भंवर में फंसे लोग कश्मोकश में हैं कि जाएं तो कहां जाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण उसके चैन को तोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास में है और पिछले 24 मार्च से आज तक पूरे देश में तालाबंदी की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से पूरी तरह रोकने में सरकार और जनता पूरी निष्ठा से लगी हुई है और काफ़ी हद तक इसमें हम सफल भी हो रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस लॉकडाउन के कारण अन्यत्र फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों का धैर्य भी अब टूटने लगा है, जिसके कारण वे लोग अपने अपने घर पहुंचने की जुगत में जान जोखिम में डालकर सफ़र करने को मजबूर हैं। ऐसी ही एक घटना बंगाल झारखंड की सीमावर्ती क्षेत्र डिबूटी की है, जहां फंसे हुए लोग अपने घर पहुंचने के लिए दामोदर नदी पार कर रहे हैं। वहीं पुलिस के नज़र में आने से उन्हें रोक दिया जा रहा है। साथ ही पुलिस द्वारा उन असहाय लोगों को सूखा नाश्ता और पानी भी पिलाया जा रहा है। মৌরানী পুত্র যাবো মুর্শিদাবাদ। আমরা এই নদী দিয়ে হেঁটে হেঁটে বের হলাম পানি কম আছে তার জন্য। হ্যাঁ, কাজ করতাম আমরা ওই বিদ্যুতে ফেরি করতাম চিরকুন্ডা বর্ডারে। এটা পানি আছে, অল্প পানি আছে, এটা দিয়ে ঘুরে এলাম পানি দিয়ে হালকা হেঁটে। ঠিক আছে, এই মালদা যাবো। হ্যাঁ, আমরা কাজে গেছিলাম, ওখানে ফেরি করছিলাম মালিকের। তো এক মাস তো অতদিন থেকে লকডাউনে সব বন্ধ আছে, তো মালিক ঘরে তালা মেরে চলে আলো, আমরাকে সব কাপড় ধরে বের করে দিয়ে। তো আমরা কী করবো স্যার, কোথায় যাবো? এখন আমরা বাড়ি গেছি ঝাড়খণ্ড বর্ডার। তো এরকম সাইকেলে না, অনেক জায়গাতে আমাদের আমরাকে ধরেছে, ধরে চেক করেছে, সিল মেরেছিল। তবু আমি পুলিশ যদি এখানে আটকে দেয়, না যেতে দেয়, তো আর কী করার আছে, কী করবো? আমরা তো আর কিছু করতে পারবো না, যেহেতু আমরা অশিক্ষিত লোক। এখন বিস্কুট দিল, বিস্কুট জল দিল। এখন ব্যবহার তো আবার কী বলবো, ব্যবহার ঠিকই আছে, কিন্তু উপর মহল থেকে অর্ডার আছে যে যতক্ষণ করোনার টেস্ট না করে ততক্ষণ ছাড়া যাবে না। তুর্তি আসানসোল।